तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि इस जिंदगी में जो भी आप कर्म भोग रहे हो वो कहां से आए? दोस्तों ये बात हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम अपनी लाइफ में जो भी कर्म भोगते हैं वो हमारे पुराने जन्मों की वजह से, जो भी हमने पुराने जन्म में कर्म किए हैं उसका फल हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। और ये बात भी लिखा हुआ है कि अगर हम अच्छी मेहनत और लगन के साथ काम करें तो हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपने अपनी जिंदगी में इन कर्मों को बदलने के लिए अब तक क्या किया है? क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी की कीमत क्या है, कि आपकी लाइफ की कीमत क्या है? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको जरूर सुनिएगा। ये बहुत ही छोटी स्टोरी है और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। दोस्तों एक लड़का था जो नदी किनारे जा रहा था और पाँव फिसल जाने की वजह से वो नदी में गिर गया। अब डूबने के कारण वो मदद मदद चिल्लाने लगा तो उसी नदी किनारे एक और आदमी जा रहा था जो उस लड़के को देखकर उसने उसको डूबने से बचाने के लिए उस नदी में कूद गया और लड़के को उसने डूबने से बचाया। तो लड़के ने उसको धन्यवाद कहा और धन्यवाद सुन के उस आदमी ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि जिंदगी में जब बड़े हो जाओ तो मेहनत करके और कुछ ऐसा महान काम कर देना कि तुमको लगे कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। और ये बात कह के वो आदमी चला गया। तो दोस्तों मैं इस स्टोरी से आपको यही समझाना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में आपके पास कोई उद्देश्य है ना तो तब तक तो सब सही है, पर अगर आपकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ लक्ष्य पाने की कोई मोटिव कुछ भी नहीं है, तो आपकी जिंदगी में आपके वो कर्म आपको वो सब दिखाएंगे जो आपको शायद देखना नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने पुराने जन्म में कोई बुरा पाप किया इसलिए आप ये भोग रहे हो, तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि शास्त्रों के हिसाब से ये बात तो सही है, बट शास्त्रों में ये भी लिखा है कि आप इसको बदल भी सकते हो। तो थोड़ा मेहनत कीजिए और कुछ ऐसा महान काम कर जाइए ताकि आपकी जिंदगी में आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ये बोल सको, मैंने अपनी लाइफ को एक मीनिंग दी है। हर रोज आपको वीडियो देने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए मैं हमेशा ऐसे ही आता रहूंगा। तो आपका प्यार बना रखें, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब किया और नहीं भी किया तो भी थैंक यू, और अगर वीडियो को लाइक किया और नहीं भी किया तो भी थैंक यू।